हाय फ्रेंड्स, अगर आप हमारे वीडियो को सबसे पहले देखना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। उज्ज्वला योजना की खुली पोल कन्हैया बोले, यही है मोदीनॉमिक्स, जिसमें गरीबों को लूटकर धन्ना सेठों की तिजोरियां भरी जाती हैं। गरीबों को मुफ्त गैस कनेक्शन देने की बात कहकर कई गुना ज्यादा कीमत वसूलना ही मोदीनॉमिक्स है। इसमें गरीबों से पैसा वसूल कर धन्ना सेठों की तिजोरियां भरी जाती हैं। चाहे उज्ज्वला हो या जनधन योजना या फिर फसल बीमा, मोदी जी ने हर योजना में केवल अपने अमीर दोस्तों का ही विकास किया है। साल 2016 में पीएम मोदी ने ग्रामीण गृहणियों के लिए उज्ज्वला योजना की शुरुआत की थी। तब से लेकर अब तक पीएम मोदी अपनी हर रैली जनसभा में इस योजना का ढोल पीटते हैं और अपनी पीठ थपथपाते हैं कि उनकी इस योजना से ग्रामीण महिलाओं को खाना बनाने के लिए अब लकड़ी, कंडे, कोयले और का इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा। वो अब गैस सिलेंडर से बेहद आसानी से खाना बनाती हैं, लेकिन सच्चाई इससे उलट है। हिंदी के एक अखबार की पड़ताल की बात में ये सामने आई है कि जिन लोगों को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत गैस सिलेंडर दिए गए थे, उनमें से 85% ने सिलेंडर छोड़ दिए और वो फिर से धूल वाले चूल्हे पर खाना पकाना शुरू कर दिया है। अखबार की इंदौर में की गई पड़ताल में ये बात सामने आई है कि यहाँ 58,000 से ज़्यादा लोगों को उज्ज्वला योजना के तहत कनेक्शन दिए गए हैं, लेकिन बहुत बड़ी तादाद में लोगों ने सिलेंडर रिफिल नहीं कराए। इसकी वजह से झूठ, मोदी सरकार का झूठ, योजना की शुरुआत से लेकर आज तक पीएम मोदी कहते हैं कि हमने मुफ्त में ग्रामीण महिलाओं को गैस के कनेक्शन दिए हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि ये मुफ्त नहीं बल्कि लोन के बदले में दिए गए थे। दरअसल कनेक्शन के लिए चूल्हे और गैस सिलेंडर के पैसे कर्ज के तौर पर दिए गए थे, ना कि सब्सिडी के तौर पर। इसके साथ ये शर्त थी कि जब तक उपभोक्ता कर्ज को पैसे चुका नहीं देते, तब तक वे उसको बिना सब्सिडी वाले महंगे सिलेंडर लेने होंगे। फिर एलपीजी के दाम और चूल्हे की कीमत मिलाकर इस कर्म की कीमत 2,000 रुपये तक पहुंच गई। शर्त ये थी कि कर्ज चुकाने तक उन्हें बगैर सब्सिडी वाले सिलेंडर लेने हैं। ऐसे में गाँव वालों के लिए बिना सब्सिडी के 1,000 रुपये के आने वाले सिलेंडर को हर महीने खरीदना मुश्किल हो गया है, जिसका नतीजा ये निकला कि मजबूरन उन्हें फिर से चूल्हे की ओर लौटना पड़ा। अमित शाह के बाद अब डोभाल के बेटों ने करोड़ों की हेराफेर। सपा नेता बोले, ये सरकार लुटेरी है। समाजवादी पार्टी ने नेता सुनील सिंह यादव ने फ्लॉप नोटबंदी से गरीब जनता को हुई परेशानी को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा है। सुनील यादव के मुताबिक इससे जनता का तो फायदा हुआ नहीं, लेकिन बीजेपी नेताओं और उनके परिवार वालों का खजाना भर गया। सुनील यादव ने ट्विटर पर लिखा, नोटबंदी के बाद अमित शाह के बेटे का पैसा 1600 गुना बढ़ गया। पीयूष गोयल के 10 रुपए के शेयर 10,000 के हो गए और डोभाल के बेटे ने टैक्स हेवन में काले धन की कंपनी खोल ली और जनता को लाइन में लगाकर मरने को मजबूर कर दिया। जनता के पैसे को लूटने वाले ये जुमलेबाज, घोटालेबाज और डकैत हैं। हाल ही में खोजी पत्रिका द कारवान में अमेरिका, इंग्लैंड, कमेन आइलैंड से दस्तावेज जुटाकर ये खुलासा किया गया कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और पीएम मोदी के बेहद करीबी अजीत डोभाल के बेटे विवेक डोभाल की टैक्स हेवन कंट्री केमेन आइलैंड में कंपनियां हैं और ये नोटबंदी का महज 13 दिन बाद खोली गई। इससे इसके जरिए पैसे की बड़ी हेराफेरी को अंजाम दिया जाता है। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के बेटे पर भी नोटबंदी के बाद बेहिसाब पैसे बनाने का आरोप है। अमित शाह के बेटे का पैसा 1600 गुना बढ़ गया, जबकि कई रिपोर्टों में ये बात सामने आ चुकी है कि नोटबंदी बुरी तरह से फ्लॉप रही। तो फिर पीएम मोदी को इस बात को जवाब देना चाहिए, उन्होंने नोटबंदी के नाम पर गरीब भोली भाली जनता को लाइन में खड़ा क्यों किया? नोटबंदी की वजह से कितनों की जिंदगियां बर्बाद हो गईं। इसलिए सुनील सिंह यादव ने कहा कि जनता के पैसे लूटने वाली। सिद्धार्थ मौर्य ने पीएम मोदी पर लगाया विधायकों के पैसे ऑफर लेने करने का आरोप। पूछा, चौकीदार के पास इतने पैसे कहां से आए? कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री एवं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सिद्धार्थ मौर्य ने
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह पर कर्नाटक सरकार को अस्थिर करने की कोशिश के गंभीर आरोप लगाए हैं। शुक्रवार को कांग्रेस विधायक दल की बैठक के बाद सिद्धार्थ मौर्य ने कहा, नरेंद्र मोदी, अमित शाह और कई केंद्रीय मंत्री कर्नाटक सरकार को कई अस्थिर करने की प्रक्रिया में शामिल हैं। उन्होंने हमारे विधायकों से संपर्क किया और उन्होंने 50 से 70 करोड़ रुपए ऑफर किए। सिद्धार्थ मौर्य ने यह भी दावा किया था कि उनके पास इसके सबूत भी हैं। उन्होंने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए पूछा कि चौकीदार के पास इतना पैसा कहां से आया। बता दें कि शुक्रवार को कर्नाटक में सियासी संकट को लेकर कांग्रेस विधायक दल में बैठक हुई थी, जिस पर सिद्धार्थ मौर्य ने कहा था कि मैं गैर मौजूदगी में रहे विधायकों के नोटिस भेजकर उनका कारण पूछूंगा, उसके बाद मैं हाईकमान से बात करूंगा। इससे पहले मुख्यमंत्री कुमार स्वामी ने बीजेपी पर अपने विधायकों के गुरुग्राम का एक होटल में बंधक बनाकर रखने का आरोप लगाया था। उन्होंने कहा था कि बीजेपी कर्नाटक सरकार अस्थिर करने की नाकाम कोशिश कर रही है। अखिलेश के काम को भाजपा ने बताया अपना। 5-year challenge में शेयर की फर्जी तस्वीर। 10-year challenge सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। भारत में 10-year challenge का इस्तेमाल अपने राजनीतिक विरोधियों पर हमला करने के लिए भी किया जाने लगा है। सत्ताधारी भाजपा तो बाकायदा 10-year challenge के तर्ज पर 5-year challenge चला रही है। बीजेपी के सोशल मीडिया हैंडल से मोदी के 5 साल के कार्यकाल और कांग्रेस के कार्यकाल की तुलना करते हुए तस्वीरें शेयर की जा रही है। बीजेपी की तरफ से इसी तरह की एक और तुलनात्मक तस्वीर शेयर की गई थी, जिसे थोड़ी ही देर बाद डिलीट कर दिया गया। अब सवाल उठता है कि क्यों डिलीट कर दिया गया। दरअसल बीजेपी ने तुलनात्मक तस्वीरों का एक कोलाज शेयर किया और दावा किया कि मोदी सरकार ने वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे तय समय के भीतर तैयार कर दिया, लेकिन हकीकत यह है कि दिल्ली से मेरठ तक बनने वाले इस एक्सप्रेस का मात्र 9 किलोमीटर ही बना है, यानी पहले चरण का ही काम पूरा हुआ है। खुद सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने 30 दिसंबर 2018 को एक आयोजन में कहा कि दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे का काम अप्रैल 2019 तक पूरा होगा। अब NHAI अधिकारी एक्सप्रेसवे के लिए अधिग्रहित जमीन पर मुआवजा प्रकरण में फंसे हुए हैं। किसानों का आरोप है कि सरकार जमीन तो अधिग्रहण कर रही है, लेकिन मुआवजा नहीं दे रही। 15 जनवरी को किसानों ने इसके खिलाफ प्रदर्शन भी किया। 135 किलोमीटर के एक्सप्रेसवे को मात्र 9 किलोमीटर बनाकर बीजेपी दावा कर रही है कि उसने तय समय से पूरा काम कर दिया। ऐसे में ट्वीट हटाना तो लाजमी था। बीजेपी के इस ट्वीट पर एक और धांधली थी। बीजेपी ने अपने 9 किलोमीटर के एक्सप्रेसवे की तुलना करने के लिए जिस निर्माणधीन सड़क की तस्वीर का इस्तेमाल किया, वो निर्माणधीन लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे की तस्वीर है, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे की नहीं। निर्माणधीन लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे की तस्वीर 17 मार्च 2015 को क्लिक की गई थी। तस्वीर क्लिक करने वाले फोटोग्राफर का नाम मनीष अग्निहोत्री है। तस्वीर का कॉपीराइट shutterstock.com के पास है। वैसे बता दें कि 302 किलोमीटर के लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे को यूपी के तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने रिकॉर्ड टाइम यानी 22 महीने में बनवा। 10-year challenge के बहाने शशि थरूर ने साधा निशाना। राम मंदिर नहीं बना, लेकिन बीजेपी ऑफिस भव्य हो गया। नए साल की शुरुआत से शुरू हुआ 10-year challenge अब सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है। दुनिया भर से लोग इस चैलेंज के तहत लोग अपनी 10 साल पुरानी तस्वीर और अभी की तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे हैं। फिल्मी सितारों से लेकर स्पोर्ट्स स्टार्स तक अपनी 10 साल पुरानी तस्वीर शेयर कर रहे हैं। कोई 10-year challenge के साथ 2008 और 2018 की तस्वीर शेयर कर रहा है, कोई 2009 और 2019 की तस्वीर शेयर कर रहा है। अब राजनेता भी इस चैलेंज में हिस्सा लेने लगे हैं। जाहिर है, जब राजनेता हिस्सा लेंगे, राजनीति भी करेंगे। तो इस तरह भारत में अब 10-year challenge का इस्तेमाल अपने राजनीतिक विरोधियों पर हमला करने के लिए किया जाने लगा है। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने 10-year challenge का इस्तेमाल बीजेपी पर निशाना साधने के लिए किया है। शशि थरूर ने 4 तस्वीरों के एक कोलाज शेयर किया था। 2 तस्वीरें राम मंदिर बनाने के लिए रखी गई तस्वीरों की हैं और 2 तस्वीरें बीजेपी हेडक्वार्टर की। शशि थरूर बताना चाहते हैं कि 2009 से 2019 यानी इन 10 सालों में राम मंदिर बनाने के लिए जो पत्थर लाए गए थे वो वहीं के वहीं हैं। लेकिन राम मंदिर बनवाने का वादा करके सत्ता में आई बीजेपी का हेडक्वार्टर साधारण से भव्य हो गया है। माइंड द न्यूज रूम की रिपोर्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।